नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी। बारिश के मौसम में जलेबी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया है, एकता लाइफस्टाइल से एकता रेसिपीज रखा है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, मैदे को मैंने छान लिया है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डाल देंगे। हमें दही थोड़ी हल्की खट्टी ही लेनी है, ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेनी है, हल्की खट्टी दही लेनी है। दही को हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ सा घोल बना लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। देखिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा पानी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसका घोल बनाने में हमें 1 से 1.5 कप पानी लगेगा। फ्रेंड्स, घोल हमारा बनकर तैयार है। घोल बनाने में 1.5 कप पानी लगा है। घोल को अब हम साइड में रख देंगे और चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम शुगर डाल देंगे और जिस कटोरी से हमने शुगर ली है उसी से पानी ले लेंगे। 1 कटोरी शुगर तो 1 कटोरी पानी। गैस ऑन कर देंगे और शुगर को मिक्स कर लेंगे। चाशनी हमें कोई तार की नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। अच्छे से शुगर को मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने शुगर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 7-8 धागे केसर के डाल देंगे, जिससे जलेबी के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और ये खाने में टेस्टी लगेगी। और इसी तरह इसे पका लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 पिंच के करीब इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर को भी चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड, चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चाशनी को मैंने 3 मिनट तक पकाया है। ये हल्की चिपचिपी सी चाशनी हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम घोल को थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए घोल को एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे। अब हम जलेबी को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। मैंने रेड फूड कलर लिया है 2 पिंच के करीब। वो हम घोल के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना ना डालें। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए फ्रेंड, अब हम चम्मच से भी इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आज मैं सॉस बॉटल से जलेबी बना रही हूँ। आप दूध की थैली से भी जलेबी बना सकते हैं। बैटर हम सॉस बॉटल में भर लेंगे। देखिए मैंने सॉस बॉटल में बैटर भर लिया है। तेल मैंने गर्म करना रख दिया था। आप जलेबी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ पैन से 1 इंच ऊपर तेल लेना है। तेल हमें मीडियम गर्म चाहिए, हाई गर्म नहीं चाहिए। गैस का फ्लेम भी हम मीडियम रखेंगे। बस हमें 3 बार इस तरह से घुमाते हुए जलेबी बनानी है। 3 से 4 बार आप इस तरह से घुमा लीजिए और जलेबी आपकी बहुत ही सुंदर बन के आएगी। देखिए 3 बार या 4 बार, इससे ज़्यादा ना घुमाएं। देखिए इस तरह से जितनी पैन में एक बार जलेबी आए उतनी ही बनाएं। जलेबी एक साइड से फ्राई हो जाए तब आप इसे चिमटे की सहायता से पलटें, झर की सहायता से नहीं,
चिमटे की सहायता से पलटे। चिमटे की सहायता से ये बहुत ही अच्छे से पलट जाती हैं, देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड, हमें दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए इनको फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड, ये फ्राई हो गई हैं, मैंने इनको दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए फ्राई कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी जलेबी हमारी बनकर तैयार हुई है। अब हम इनको निकाल लेंगे और सीधा इसको चाशनी के अंदर डाल देंगे। जलेबी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। देखिए मैंने चाशनी के अंदर डाल दिया है, आप देखते हैं डालते ही ये ट्रांसपेरेंट हो रही है, इनके अंदर चाशनी फटाफट जा रही है फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही टेस्टी हमारी जलेबी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, इनके अंदर अच्छे से चाशनी चली गई है। अब हम वापस से जलेबी बना लेंगे। 3 से 4 राउंड देने हैं, ज़्यादा नहीं देने हैं, और जितनी पैन में आए उतनी ही जलेबी बनाएं, ज़्यादा जलेबी एक साथ ना बनाएं। देखिए आप, बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही टेस्टी हमारी जलेबी बनकर तैयार होगी। इनको भी हम कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये भी फ्राई हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी जलेबी को मोटा बनाना चाहते हैं तो आप बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा रखें। अब हम इनको भी चाशनी के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी जलेबी बनी है और ये कैसे ट्रांसपेरेंट हो रही है, इनके अंदर किस तरह से चाशनी फटाफट जा रही है। बहुत ही टेस्टी जलेबी फ्रेंड्स, आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। घर में बनाई हुई जलेबी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब हम इनको चाशनी के अंदर इस तरह से उलट पलट कर देंगे ताकि जलेबी के अंदर अच्छे से चाशनी चली जाए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, चाशनी इनके अंदर अच्छे से चली गई है। फ्रेंड्स, सभी जलेबी हमारी बनकर तैयार है, इसे अब प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब हम इसे पिस्ता कतरन से थोड़ी डेकोरेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी जलेबी दिख रही है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। आप देख सकते हैं 1 कप से काफ़ी सारी जलेबी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही कम सामान में बहुत सारी जलेबी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। देखिए मैं एक जलेबी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी कुरकुरी बनी है। देखिए बहुत ही टेस्टी जलेबी हमारी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से आप घर में जलेबी ज़रूर बनाकर खाएं, आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।